अपना ये खेल इसने खुद ही छोड़ दिया, इसे इसके ही खेल में जीतने दिया। वो लेटर्स में कोई राज छिपा है। अगर मैंने उस बेबिन को अरेस्ट कर लिया, व्हाट्स नेक्स्ट? तो देखो यार, आज ना हॉटस्टार के ऊपर एक नई मलयालम वेब सीरीज को रिलीज किया गया है जिसका नाम है 1000 बेबीज, जो कि एक तरीके से क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री ड्रामा टाइप की वेब सीरीज है जिसको मैंने कम्प्लीटली वॉच कर ली है। अब इसके ऊपर मेरे क्या ओपिनियंस है, ये किस टाइप की ऑडियंस के लिए है, किसके लिए नहीं है, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। बट बिफोर दैट, हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखो, बात करते हैं कि इस शो की स्टोरी फॉलो करती है एक ऐसी लेडी को जिसका नाम है सैरा, प्लेड बाय नीना गुप्ता, जिसके पास ही कुछ इंसिडेंट इस तरीके के रहे हैं कि उसका नेचर जो है पूरी तरीके से साइको हो चुका है और बहुत सारी मिस्ट्रीज जो है वो अपने अंदर समेट के बैठी है और उसका टाइम आ चुका है अब मरने का। किस तरीके से मरने के टाइम पे जो है वो ऐसे दो लेटर्स छोड़ के जा रही है जिसके अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई जिसका रिजल्ट जो है वो अगले 12 साल के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। अब वो मिस्ट्री क्या है, उसके पास के इंसिडेंट्स क्या है, जो आगे मिस्ट्री क्राइम चीजें हो रही हैं उसके पीछे रीजन क्या है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आपको इस शो को चेक करना पड़ेगा, जिसके अभी टोटल 7 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, जिसका रन टाइम जो है वो 40 मिनट से लेकर 55 मिनट के बीच में रखा गया है। और अगर मेरे को आपके सामने इस शो का रिव्यू सिर्फ एक लाइन में करना हो, मैं कह सकता हूँ कि अगर मलयालम कॉन्टेंट है, क्योंकि उन्होंने मूवी के अंदर मास्टरी की हुई है सेम जॉनरा क्राइम का, हॉरर का, मिस्ट्री का, बारी है वेब सीरीज की, उन्होंने यहाँ भी जबरदस्त काम किया है। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं इस शो के पॉजिटिव पार्ट के बारे में। इस शो का पहला पॉजिटिव पार्ट होगा इसके अंदर जिस तरीके से स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है, हो सकता है कि ये आपके टेस्ट की चीज ना हो, लेकिन जिस तरीके से स्लो बर्न चीजें होती हैं, स्टोरी अपने आप को धीरे धीरे आगे लेयर बाय लेयर खोल रही है, वो डेफिनेटली इतनी इंटरेस्टिंग तो है कि हाँ आपका इंटरेस्ट पूरी तरीके से इसकी तरफ बना रहता है। स्पेशली जो इसकी मिस्ट्री है, जो इसका इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है, वो काफी मुझे पर्सनली इंटरेस्टिंग फील हुआ। साथ में देखो, बात करें जिस तरीके से आपको यहाँ पे कमाल के ट्यूशन टर्न्स देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली क्लाइमैक्स वाला, और एक ट्यूशन टर्न जो है वो 3rd या 4th एपिसोड के बीच में कहीं पे आता है, वो डेफिनेटली इतना शॉकिंग है कि अब आप अगर एक बार इसको देखना शुरू करते हो तो आप लोग खत्म करके इसको हटोगे, शुरुआती बेसिस के ऊपर इसको जज मत करना। साथ में बात करें जिस तरीके से आपको इसकी प्रोडक्शन देखने को मिल रही है, जनरली वेब सीरीज का तो बजट होता है वो काफी लो होता है, तो उसके हिसाब से जैसी इसकी प्रोडक्शन सामने निकल के आई है वो जबरदस्त लग रही है इन टर्म्स ऑफ सिनेमेटोग्राफी, इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके से लोकेशन को यूज किया गया है, काफी हद तक सिनेमेटिक वाइज बहुत जबरदस्त फील देता है। अब अगर देखो बात करें इस शो के नेगेटिव पार्ट के बारे में, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की ऑडियंस हो। अगर आप लोगों को चीजें एक के बाद एक फटाफट देखनी है तो हो सकता है कि ये शो आपको बोर करे, लेकिन इस शो के अंदर अपना टाइम लगाओ, शुरुआत के 2 से 3 एपिसोड खत्म करो, उसके बाद जो मजा आप लोगों को इस शो को देखने में आने वाला है वो एक अलग लेवल पे जाएगा इन टर्म्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, इन टर्म्स ऑफ मिस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी प्रोग्रेशन। ये शो आपको डिसअपॉइंट नहीं करता, लेकिन अगर आप एक ऐसी ऑडियंस हो जिनको फास्ट पेस में चीजें देखनी है तो हो सकता है कि ये शो आपको पसंद ना आए, लेकिन मैं पर्सनली इतना बोल सकता हूँ शो जो है वो काफी ज्यादा पसंद आया, तो मैं इस शो को बहुत आराम से रेट कर सकता हूँ 4 out of 5 stars। और आप लोगों से इतना बोलूंगा कि अगर आप लोगों को स्लो बर्न लेवल के ऊपर कुछ कमाल की मिस्ट्री सस्पेंस एक्सपीरियंस करना है, जाके इस शो को देखो, ये शो काफी इंटरेस्टिंग मुझे फील हुआ। तो ये थे मेरे थॉट्स, मेरे रिव्यू अबाउट द शो 1000 बेबीज। अगर आप लोगों ने इसको चेक कर लिया, आपके इसके ऊपर क्या ओपिनियंस है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देखा है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक करो और ऐसे कॉन्टेंट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा लाइव 33।